तो गाइस आज इस संडे जो आप सबने अच्छे से क्वेश्चन पूछे ना उनका आंसर आज की स्ट्रीम में आपको देर मतलब वाकई में आप सबने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, दिल खुश कर दिया भाई। तो चलते हैं अपने क्यू एन ए के और बिना किसी इंट्रो के। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब, तो आप सब सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर पूछते हैं JSW फनी, प्लीज मेरा प्रमोशन कर दो, मेरा पहला कमेंट है भाई, प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। तो कोड को फर्स्ट कमेंट करिए, मैं कर दूंगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं विजय की टिप्स, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कोई कुछ भी नहीं है, बस दिक्कत यह हो जाता है कि आपका चैनल जो ग्रो होने में टाइम लग जाता है। अगर आप दोनों शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हो तो ग्रो होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यही दिक्कत है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर विशाल टेक, यहाँ पर पूछते हैं कि भाई मैं अपने चैनल पर डेली लॉन्ग वीडियो अपलोड करता हूँ बट ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता है, मेरे बाद जो चैनल बनाया है वो शॉर्ट वीडियो अपलोड करने अच्छा व्यूज एंड सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, तो क्या मैं भी अब शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँ? तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप शॉर्ट के लिए एक अलग से चैनल क्रिएट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मेन चैनल पर शॉर्ट अपलोड करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक वीडियो अपलोड जरूर करेगा शॉर्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हफ्ते में एक वीडियो अपने मेन चैनल पर शॉर्ट जरूर से अप्लाई करिएगा, यानी कि अपलोड करिएगा, और अच्छा रहेगा कि आप एक शॉर्ट का अलग से चैनल बना। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं BK विष्णु, YouTube वीडियो का लिंक शेयर किसी Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp में करने पर व्यूज काउंट होगा, चैनल पे कोई दिक्कत होगा क्या? तो व्यूज काउंट होगा और इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बस दिक्कत ये हो जाता है कि अगर वो वीडियो को पूरा देखते हैं तो अच्छा है, अगर वैसे इन सब जगह पर वीडियो शेयर करने से कोई वीडियो पूरा देखता नहीं, बस क्लिक करता है और हटा देता है, तो इससे ऑडियंस रिटेंशन खराब हो जाते हैं, लेकिन इसकी दिक्कत कोई नहीं है और व्यूज भी काउंट होता है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं डिस्नोरी जोन्स, आप अपने सब्सक्राइबर की वीडियो भी देखते हो क्या? तो इसका आंसर मेरा ऑडियंस देगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वो आपको जवाब दे देगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं मिस्टर VK एडिटर, भाई मेरे चैनल को भी प्रमोट कर दो, मैं भी गरीब हूँ इसलिए कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता। तो देखो भाई, सबसे पहले ये गरीबी दिखाना बंद कर दो, क्योंकि इससे कोई सपोर्ट करता नहीं है, और खुद आपको मेहनत करना पड़ेगा तब जाके आप ग्रो हो पाओगे। ऐसे मैं गरीब हूँ मुझे सपोर्ट कर दो, ऐसे भाई कोई फायदा नहीं है, आप खुद से मेहनत करो, खुद से आगे। और वही बात प्रमोट की, तो आप फर्स्ट कमेंट करिए, कोड को मैं कर दूंगा आपका चैनल प्रमोट। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं टेक्निकल सनोवर, आपकी GF है क्या? नहीं है तो नाम बताओ, है और उसका नाम है YouTube, देख रहे हो YouTube तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम हो कि वीडियो वायरल नहीं कर। और यहाँ पर एक और सवाल पूछते हैं टेक्निकल सनोवर भाई, उनका भी हम आंसर कर देते हैं। यहाँ पर पूछते हैं आप स्पॉन्सरशिप वीडियो क्यों नहीं डालती हो चैनल पर? तो मैं स्पॉन्सर वीडियो तभी डालूंगा जब मेरा चैनल अच्छा ग्रो हो जाएगा, और अच्छे ग्रो हो जाएगा उसके बाद मैं स्पॉन्सर वीडियो बनाऊंगा, अभी तो बनाने वाला नहीं। और इसे दिक्कत भी होता है, अगर हमारे चैनल ग्रो नहीं होता, अगर हम स्पॉन्सर से वीडियो बनाते हैं तो हमारे ऑडियंस के साथ जो है कनेक्शन नहीं बन पाते हैं, वो हम पर बिलीव नहीं करते हैं, और यही रीज़न है कि मैं स्पॉन्सर वाले वीडियो अभी नहीं बनाता हूँ, बनाऊंगा तब जब मेरा चैनल अच्छा चलने लगेगा उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप का देखेंगे, अभी तो मैं देखने वाला नहीं हूं, अगर कोई मुझे देता भी है स्पॉन्सरशिप तो लेने वाला नहीं। तो यहाँ पर एक और सवाल भाई पूछते हैं, उनका भी आंसर हम दे ही देते हैं। यहाँ पर पूछते हैं आपके घर वालों को पता है कि आप YouTube पर वीडियो बनाते हो? हाँ पता है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं साहिल मुरिया, ब्रो अगर अपने वीडियो में अपने वॉइस ऐड नहीं करते हैं एंड नो कॉपीराइट सॉन्ग ऐड करते हैं तो चैनल मोनेटाइज होगा क्या? हाँ हो जाएगा, लेकिन आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा तभी जाके होगा, अगर आप अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाते तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं विकेट टेक, यहाँ पर पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि अगर हम अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हैं चैनल मोनेटाइज होने के बाद, तो क्या लाइव स्ट्रीम का हमें कुछ मिलता है YouTube से या नहीं? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो हाँ मिलेगा, अगर आपका जो लाइव स्ट्रीम करते हो और चैनल आपका मोनेटाइज हो गया है, अगर उस लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो पर अगर आप व्यूज़ आ रहे हैं तो एड्स आएंगे, तो आपको रिवेन्यू मिलेगा, पैसा मिलेगा। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको मिलेगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं बुलंद मीडिया, सानू भाई अगर अपने वीडियो में ट्विटर की वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करे तो क्या चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या नहीं? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन जो आपने वीडियो वहाँ से ट्विटर से उठाया है अगर वो वाली वीडियो किसी ने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है तो फिर आपका चैनल रीयूज कंटेंट में आ जाएगा और आपका चैनल रिजेक्ट कर देगा। यूट्यूब यही देखता है कि सबसे पहले किसने अपलोड किया है, अगर आप वो फेसबुक से लो, इंस्टाग्राम से लो, ट्विटर से लो, जहाँ से भी आप लो वीडियो अपलोड करो, अगर वो सबसे पहला वीडियो आपका ही है तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अगर आपके बाद जो है आपसे पहले किसी ने अगर अपलोड कर दिया है पहले, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रीयूज कंटेंट बताकर आपको रिजेक्ट कर देगा। एंड आज का कोड है 999।
तो बस आज की क्यू वीडियो में बस इतना ही सवाल थे, मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल रोटी क्लिक कर भी देखने के सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए ध्यान रखना एंड लव यू। और अगर आपने पिछली वाली क्यों वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा वीडियो का लिंक, जाकर देख लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी के वीडियो पर फर्स्ट कमेंट कर पाऊँ तो ये रहा वीडियो, जाके जरूर से देखिए।